नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति आर्या। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की विस्तार से। कवर्धा में हुई आगजनी को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कवर्धा में ये पहली कोई घटना नहीं है, पहले भी घर में आग लगकर 3 लोगों की हत्या की गई थी। मामला गंभीर है, मुख्यमंत्री बैठक लेते हैं जिसमें गृहमंत्री शामिल नहीं होते हैं। इसी के साथ ही उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा। पहली घटना नहीं है, बल्कि इसके पहले भी घर में आग लगा के 3 लोगों की हत्या कर दी गई थी। उसे आत्महत्या का केस बताया गया था एसपी के द्वारा, बाद में वो हत्या साबित हुई। अभी फिर से इस प्रकार की घटना रंगाखार लोहारी डी गांव में घटना सामने आई कि एक व्यक्ति को मध्य प्रदेश के बॉर्डर में उसे मार के टांग दिया गया था और उसके बाद उससे जो आक्रोश उपजा उसके कारण से दूसरे व्यक्ति को, रघुनाथ साहू को, उसके घर में ही आग लगा के जला दिया गया। लोमहर्षक घटना है और ये बेहद ही गंभीर मामला है कि गृह मंत्री के क्षेत्र में इस प्रकार की घटनाएं घट रही है और किसी को जिम्मेदारी ठहराया नहीं जा रहा है। मुख्यमंत्री एसपी की बैठक लेते हैं जिसमें गृह मंत्री उपस्थित नहीं होते और गृह मंत्री के क्षेत्र में दूसरी बड़ी घटना घर जला के हत्या कर देने की और उसके बाद भी किसी के कोई कार्रवाई नहीं होना, तो ये तो सीधी सीधी बात है कि सरकार के लापरवाही के कारण से ये हुआ है। यदि किसी व्यक्ति को मार के टांग दिया गया है और उसमें यदि कार्रवाई हो जाती, ये दूसरी जो बड़ी घटना है जिसमें घर में जला के मार डाला गया और एक बच्चा अभी भी लापता है जिस प्रकार से खबरों में पता चला है, और आक्रोश इतना कि पुलिस को वहां गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा, एसपी को तक बंधक बना लिया गया, तो इस प्रकार के जो घटना है, मतलब ये है कि अब पुलिस पे लोगों को विश्वास उठ गया है। जरूर इसमें तहकीकात की जानी चाहिए कि ये स्थिति निर्मित क्यों होगी, आखिर गांव में पुलिस वाले क्यों घुसने नहीं दे रहे हैं, ऐसी क्या वजह है। तो ये बहुत बड़ी घटना, पूरे प्रदेश में इस प्रकार की घटनाओं का लगातार वृद्धि होना कानून व्यवस्था के लेकर लगातार विधानसभा में भी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के द्वारा लगातार ये मामले उठाए जाते रहे, लेकिन सरकार के अब बस में नहीं है। गृह मंत्री के क्षेत्र में ऐसा हो जाना है तो बेहद दुर्भाग्य। और गरियाबंद में हाथियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र में 3 हाथियों की दस्तक से लोग परेशान दहशत में हैं और हाथियों ने जोगीडीपा गांव में दो भैंसों को मौत के घाट उतार दिया। विगत 15 दिन पहले एक महिला को जंगल में कुचल चुका है हाथी। आपको यह भी बता दें कि धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद क्षेत्र के जंगलों में हाथियों को विचरण करते देखा गया है। प्रशासन ने ग्रामीणों को अलर्ट रहने के लिए भी कहा है। और जगदलपुर बस्तर जिले के नवपदस्थ कलेक्टर हरीश एस ने सोमवार को पदभार ग्रहण किया। आपको बता दें कि कलेक्टर हरीश एस 2015 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। इससे पूर्व सुकमा कलेक्टर के रूप में पदस्थ रहे हैं। पदभार ग्रहण करने के बाद से जिले के वरिष्ठ अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत प्रकाश सर्वे ने साथ में तमाम अधिकारी उनके मौजूद रहे। और सोमवार को गणेश विसर्जन और ईदे मिलादुनाबी के साथ जो है एक साथ में मनाए जाने को लेकर के पुलिस शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर भर के मुख्य चौराहों में फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस ने निरीक्षण किया। शहर भर में सैकड़ों जगहों पर गणेश जी की स्थापना की गई जिसके विसर्जन को लेकर के पुलिस ने रूट फाइनल किया। साथ ही एक साथ दो पर्वों में भीड़ की स्थिति निर्मित होने की आशंका को लेकर पूरी तैयारी की गई, जिसके साथ सभी पुलिस अधिकारियों ने सैनिकों के साथ शहर में फ्लैग मार्च निकाला। आने वाले ईद त्योहार और गणेश विसर्जन के दौरान जनता में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करने के लिए
जगदलपुर शहर की पुलिस और देहात की पुलिस और डीआरजी ये तीनों मिलकर के पूरे शहर में जो रूट है गणेश विसर्जन को लेकर के और ईद के लिए जो रूट है उस पर पैदल मार्च किया गया है। इसमें जो मुख्यतः एसबीआई चौक, महावीर चौक, गोल बाजार, सिरासर चौक, दामोदर पेट्रोल पंप, जामा मस्जिद होते हुए चांदनी चौक, संजय मार्केट होते हुए शहीद पार्क चौक से होते हुए आपका चौपाटी होते हुए कोतवाली में फ्लैग मार्च का समापन किया गया है। और आने वाले दो दिनों में तीज त्योहार का समय है तो उसके लिए भी पृथक से बल लगा करके पूरे 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 पुलिस को ब्रीफ किया गया है अच्छे से ड्यूटी करने के लिए और साथ ही साथ में पूरे शहर में रात में भी पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के किए गए हैं। और छत्तीसगढ़ स्टाम्प वेंडर और दस्तावेज लेखक संघ ने महानिरीक्षक पंजीयन और अधीक्षक स्टाम्प पुष्पेंद्र मीणा के आश्वासन के बाद से हड़ताल नहीं करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि वाणिज्य मंत्री ओपी चौधरी के ई ऐप लागू को लेकर के प्रदेश भर के स्टाम्प वेंडर संघ और दस्तावेज लेखक संघ ने 3 दिवसीय हड़ताल पर थे। वो संघ का आरोप था कि सरकार के ई ऐप लागू करने से उन लोगों की रोजी रोटी पर सवाल जो है खतरे में पड़ जाएगी, जिसको लेकर पूरे प्रदेश के स्टाम्प वेंडर संघ के साथ साथ दस्तावेज लेखक संघ 3 दिवसीय हड़ताल पर जाने की योजना बनाई थी। आज आप लोगों की हड़ताल समाप्त हो रही है, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम जो नया A12 था रजिस्ट्री के लिए सारे दस्तावेज लेखक स्टाम्प वेंडर सहम गए थे। समाचार पत्रों से ये जानकारी मिली थी कि दस्तावेज लेखकों का और स्टाम्प वेंडरों का रोल पूरी तरह से समाप्त होने जा रहा है। हम उसी बात से चिंतित हो गए थे और उसी मांग के लिए हम हड़ताल के लिए बाध्य हुए थे, लेकिन आज पुनः हम आईजी महोदय से बात किए हैं, मिले हैं, बहुत सकारात्मक माहौल में उनसे बातचीत हुई है। वो बहुत अपनापन से हमको उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, कभी भी आप लोगों के व्यवसाय पर कोई आज किसी तरह की नहीं आने वाली। मतलब उनकी बातों से आप लोग पूरी तरह से संतुष्ट? पूरी तरह से संतुष्ट। ठीक है सर, अपना थोड़ा स्पष्ट है। मैं विनोद शर्मा, दस्तावेज लेखक कपाटा, प्रदेश महामंत्री, दस्तावेज लेखक संघ छत्तीसगढ़। आज महानिरीक्षक महोदय ने हमें बुलाया क्योंकि हम हड़ताल पर जाने वाले थे और उन्होंने बहुत ही प्रेम पूर्वक चर्चा की, सभी की समस्याओं का बारी बारी समाधान किया और समाधान करते हुए चर्चा करते हुए उन्होंने ये आश्वासन दिया, आप लोग इस व्यवसाय से अलग नहीं हो रहे हैं, आप लोग यथावत रहेंगे, आपका काम किसी को नहीं छीना जाए। ये हमको आप लोग भी यही चाहते थे कि आप लोग के काम पे कोई असर न पड़े इस ऐप के लागू होने से, तो आप लोग पूरी तरह से संतुष्ट हो गए? हम उनकी बातों से पूरी तरीके से संतुष्ट। आप कहाँ से आए हैं? मैं तहसील जगदलपुर से आया हूँ। थोड़ा परिचय भी दे दीजिए। मेरा नाम है सतीश झा और मैं तहसील जगदलपुर से आया हूँ, दस्तावेज लेकर करते हैं। और अब खबर सुकमा जिले के कोंटा से है, जहां पर ग्राम इटकल में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक जादू टोने के शक में गांव में रहने वाले ही आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया है। मृतकों में 3 महिलाएं शामिल हैं और 2 पुरुष शामिल हैं। इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी आरोपी वारदात के बाद से थाना कोंटा में पुलिस हिरासत में है। थाना कोंटा अंतर्गत मुरलीगुड़ा के पास इटकल जो गांव है, आज वहां 5 ग्रामीणों की हत्या हुई है। प्राथमिक जांच में ये आया है कि जादू टोना की शक की वजह से गांव के लोगों ने डंडे से मारपीट कर इन 5 ग्रामीणों की हत्या कर दी है। इसमें 5 लोगों की अभी गिरफ्तारी हुई है, इसमें विवेचना की जा रही है और भी आरोपी जो इन्वॉल्व होंगे इसमें उनकी भी गिरफ्तारी जल्द सुनिश्चित की जाएगी। तो सुकमा से एक खबर सामने आ रही है जहां पर एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत से इलाके में सनसनी है। एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो आरोपी इस मामले में है वो भी पास ही के गांव के बताए जा रहे हैं। अब परिजनों का, आसपास के लोगों का रो रोकर बुरा हाल है। दहशत से पूरे इलाके में लोग सहमे हुए हैं। मामला जादू टोने से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हालांकि मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात है और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली जा रही है, लोगों से पूछताछ की जा रही है, मामले में पुलिस छानबीन भी कर रही है। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की खबर सामने आई है।
उस परिवार पर जादू टोना करने का शक था और गांव के ही कुछ आरोपियों ने मिलकर के एक परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो सुकमा की ये तस्वीरें सामने आ रही है, एक परिवार के 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि जो हत्यारे आरोपी हैं वो भी उसी गांव के आरोपी हैं, यानी आसपास के ही रहने वाले हैं। जादू टोने का शक करने का मामला बताया जा रहा है कि आरोपियों को शक था कि परिवार ने जादू टोना किया है किसी तरीके का, जिसके बाद से उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। अब पूरा मामला पुलिस को सौंप दिया गया है और पुलिस इस मामले में छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है और आगे की पूरी जानकारी जुटाने में लगी हुई है। तो सुकमा की ये तस्वीरें हैं, जादू टोने के शक में 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया है। पुलिस ने हालांकि आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है और उसी गांव के आरोपी बताए जा रहे हैं जिस गांव में ये हत्या को अंजाम दिया गया है, और जो उनके बाकी परिजन हैं, आसपास के लोग हैं, लोग दहशत में हैं। परिवार वालों का रो रोकर बुरा हाल है। मरने वालों में बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के ये 5 लोग थे, जिनमें शायद 2 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। जादू टोना करने का शक था इस परिवार पर, जिसके बाद से आरोपियों ने 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। और पीएम मोदी ने एक और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दी है। पीएम ने दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया है। कई त्योहार और पर्व मनाए जा रहे हैं। उत्सव के इस समय में भारत के विकास का उत्सव भी निरंतर जारी है। अभी यहां से करीब 8,500 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इनमें रेल, रोड, मेट्रो ऐसे अनेक प्रोजेक्ट शामिल है। आज गुजरात के गौरव में एक और सितारा जुड़ा है। आज नमो भारत रैपिड रेल भी शुरू हुई है। ये भारत की अर्बन कनेक्टिविटी के लिए एक और मील का पत्थर सिद्ध होने वाली है। आज गुजरात के हजारों परिवार अपने नए घर में प्रवेश भी कर रहे हैं। आज हजारों परिवारों को उनके पक्के घर की पहली किस्त भी जारी हुई है। मेरी कामना है नवरात्रि, दशहरा, दुर्गा पूजा, धनतेरस, दिवाली, अब ये सारे त्योहार इतने ही उमंग के साथ आप नए घर में मनाएंगे। आप सभी का गृह प्रवेश शुभ हो। आपके सपनों को नई उड़ान देने वाला हो। मैं विशेष रूप से उन हजारों बहनों को बधाई दूंगा जिनके नाम पर ये घर रजिस्टर हुए हैं। विकास के इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए मैं गुजरात वासियों को, देशवासियों को
बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, उत्सव के इस माहौल में एक पीड़ा भी है। इस वर्ष गुजरात के अनेक इलाकों में एक साथ अतिवृष्टि हुई है। पहली बार इतिहास में इतने व्यापक स्तर से इतने कम समय में इतनी तेज बारिश हमने देखी है। इक्का दुक्का जगहों में नहीं बल्कि गुजरात के कोने कोने में ये स्थिति पैदा हुई, और इसके कारण हमने अनेक स्वजनों को खोया है, जान माल की भी बहुत हानि हुई है। केंद्र और राज्य सरकार प्रभावितों को हर संभव राहत देने के लिए काम कर रही है। जिन साथियों का उपचार चल रहा है, मैं उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं। साथियों, तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद मैं पहली बार आज गुजरात आया हूं। आप सभी के बीच आया हूं। गुजरात मेरी जन्मभूमि है। गुजरात ने मुझे जीवन की हर सीख दी है। आप लोगों ने हमेशा मुझ पर अपना प्यार लुटाया है, और बेटा जब अपने घर आता है, घर आकर जब अपनों से आशीर्वाद लेता है, तो उसे नई ऊर्जा मिलती है, उसका उत्साह, उसका जोश और बढ़ जाता है। और इतनी बड़ी तादाद में आप आशीर्वाद देने आए, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। साथियों, मुझे गुजरात के आप सभी लोगों की अपेक्षा का भी एहसास है। बार बार मुझे अलग अलग कॉर्नर से मैसेज भी आया करते थे, आप चाहते थे कि तीसरी बार शपथ लेने के बाद मैं जल्द से जल्द आपके बीच आऊं, और बहुत स्वाभाविक था, 60 साल के बाद देश की जनता ने एक नया इतिहास रचा है। एक सरकार को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। ये भारत के लोकतंत्र की बहुत बड़ी घटना है, और इसलिए गुजरात के मन में ये विचार आना कि हमारे नरेंद्र भाई पर तो हमारा हक है, उन्होंने तुरंत गुजरात आना चाहिए, आपकी भावना सही है, लेकिन राष्ट्र प्रथम का संकल्प दिलाकर आप ही लोगों ने मुझे दिल्ली भेजा है। मैंने लोकसभा चुनाव के दरमियान आप लोगों को, देशवासियों को एक गारंटी दी थी। मैंने कहा था कि तीसरे टर्म के पहले 100 दिन देश के लिए
अभूतपूर्व फैसले लिए जाएंगे। बीते 100 दिनों में मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा। 100 दिन के एजेंडे को पूरा करने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। देश हो या विदेश, जहां भी जो भी प्रयास करने थे वो किए। कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। और आपने देखा होगा पिछले 100 दिन में न जाने कैसी कैसी बातें होने लगी। इस दौरान मेरा मजाक उड़ाने लगे। मोदी का मखौल उड़ाने लगे। भांति भांति के तर्क वितर्क बताते रहे। मजा लेते थे। और लोग भी हैरान थे कि मोदी क्या कर रहा है, क्यों चुप है, इतनी मजाक हो रही है, इतना अपमान हो रहा है। लेकिन मेरे गुजरात के भाइयों बहनों, ये सरदार पटेल की भूमि से पैदा हुआ बेटा है। हर मजाक, हर मखौल, हर अपमान को सहते हुए एक प्राण लेकर के 100 दिन मैंने आपके कल्याण के लिए, देश हित के लिए नीति बनाने और निर्णय लेने में जुटा लिए। और तय किया था जिनको जितना मखौल उड़ाना है उड़ा दो, उनको भी तो मौज आएगी यार, ले लो ले लो। और मैंने तय किया था मैं एक भी जवाब नहीं दूंगा। जिस रास्ते पर मुझे देश के कल्याण के मार्ग पर चलना है, कितने ही प्रकार के हंसी मजाक ठिठोरापन होता रहे, मैं अपनी इस राह से भटकूंगा नहीं। और आज मुझे खुशी है कि उन सब अपमानों को पछताते हुए 100 दिन के इन निर्णयों में देश के हर नागरिक, हर परिवार, हर वर्ग के कल्याण की गारंटी पक्की हो गई है। तो अमर छत्तीसगढ़ देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।